Beole Mix. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुनेद जमशेद, एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर। तो आज हम लोग ये अलोडिया प्लांट्स के ऊपर बताएंगे इसकी कटिंग किस तरीके से लगती है और इसको ग्रो किस तरीके से किया जाता है। तो हमारे अक्सर शायकीन और व्यूअर्स का सवाल ये होता है कि हम प्लांट्स ले तो लेते हैं लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए और इसको बड़ा करने के लिए क्या किया जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं इसको किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पॉट है, पॉट के अंदर हम इसको गोडी करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, ये इसको गोडी कहते हैं अक्सर माली। इसको आपने थोड़ा थोड़ा भुरभुरा करके यहाँ से मिट्टी को इसके अंदर फर्टिलाइजरिंग करनी है। फर्टिलाइजरिंग क्या, एनपीके और डीएपी करते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं ये इतने बड़े पॉट में हमने लगाया हुआ है, तो हम इसमें एक चम्मच डीएपी और एक चम्मच एनपीके डालेंगे और इसको मंथली के लिहाज से हम लोग इसको फर्टिलाइजरिंग करेंगे। और आप देख भी सकते हैं इसका साइज़ कहाँ तक गया हुआ, हमारा ग्रो किया हुआ प्लांट है। तो आज हम इसके कटिंग्स लगाने का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से इसकी कटिंग लगती है। पहले हमने पोटैटो के तरीके से कटिंग लगाई थी कि पोटैटो में किस तरीके से कटिंग लगाते हैं। आज हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे कि कटिंग किस तरीके से लगाई जाती है। आइए इसकी कटिंग लगाते हैं। तो नाज़रीन, मैं इसका यहाँ से ये वाला शूट काटूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको काट लिया। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपने सबसे पहले कटिंग लगाने का उसूल ये होता है, हम देखते हैं कि प्लांट जो है हमारा ग्रोथ पर है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्लांट ग्रोथ पर है, वहाँ से भी शूट्स निकाल रहा है, ये यहाँ से भी शूट्स निकाल रहा है और ऊपर से भी निकाल रहा है, और जो मैंने कटिंग निकाली ये भी ग्रोथ पर है। तो अब हम इसकी कटिंग लगाएंगे, आइए देखते हैं कटिंग कैसे लगती है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने कटिंग काटी है, अब हम इसको लगाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं, हमने पहले कटिंग लगाई थी, ये हमारी पहले की कटिंग्स लगी हुई हैं और ये ग्रो कर रही हैं। ये हमने इसी मेथड से लगाई थी। और ये कुछ कटिंग्स हैं, ये हमने अभी कुछ अपल पहले ही लगाई हैं। जैसे कि ये कटिंग है और हमने गमले की पमेश वैसी करनी है जैसे हम लोग देखते हैं कि ओवर वाटरिंग ना हो। पॉट बिल्कुल प्लांट के हवाले से लगता है, जितना बड़ा प्लांट होता है उतना बड़ा हम पॉट लेते हैं, और पॉट के नीचे होल होना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दो होल हैं, फिर हम इसके अंदर ये रखेंगे। अब इसकी मिट्टी तैयार कर लेते हैं हम लोग। मिट्टी का रेशो वही है हमारी, 80% सॉइल और 20% काउ डंग। इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम मिट्टी मिला के भी डाल सकते हैं लेकिन हमने डायरेक्ट डाल दिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी अलोडिया की कटिंग है और हमने इसको बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से प्लेस कर देना है। इसको मैंने हल्का सा होल करके फिर रखी है कटिंग, आपने ज़्यादा डीप भी नहीं इसको दबाना है, अगर ज़्यादा डीप दबाएंगे तो ये कटिंग नहीं होगी, गल जाएगा नीचे से। तो हमने बिल्कुल इसको ऊपर सरफेस पर लगती है कटिंग। ये हमारी कटिंग लग गई है, अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने इसकी सॉइल में कोई खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। जब ये चलना शुरू हो जाए और ये शूटिंग निकालना शुरू हो जाए तो फिर जाके हम इसमें फर्टिलाइजरिंग करेंगे। जैसे हमारी ये कटिंग्स रखी हुई हैं, अब ये तैयार है, इसमें हम लोग आराम से अपना फर्टिलाइज़र वगैरह डाल सकते हैं। जैसा देख सकते हैं आप, इसकी शूट निकल रही है
और हम इसमें फर्टिलाइजिंग वगैरह करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये शूटिंग्स पर आ गई है, ग्रोथ करना शुरू हो गई और इसके रूट्स लग गई हैं। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी कटिंग तैयार है और ये शूटिंग वगैरह पर आ गई है, इसकी रूट्स लग गई हैं, अब ये ग्रोथ पर है। तो अब हम इसमें फर्टिलाइजिंग करेंगे। फर्टिलाइजिंग करने के लिए यही हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर होल करते हैं साइड पर और इसमें चार दाने हमने DAP के डाले, चार से पाँच दाने। इतने बड़े पॉट के लिए इतनी फर्टिलाइज़र बहुत है इसके लिए, और हम इसमें बिल्कुल होल करके डालते हैं ताकि ऊपर से हमारी जो फर्टिलाइज़र है वो रहती नहीं है, उड़ जाती है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर अमोनियम जो होता है वो एयर में ड्राई हो जाता है और वो उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे होल करते हैं उसके बाद डालते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग NPK भी डालेंगे ताकि हमारी जड़ों को कम्प्लीट फर्टिलाइज़र फराहम हो। इसके भी मैंने चार से पाँच दाने डाले, उसमें भी हम लोग वाटर डालेंगे। तो नाज़रीन ये जो हम प्रोग्राम्स करते हैं इन प्लांट्स के ऊपर, ये प्लांट्स जो हैं ये अमूमन तौर पे हमारी नर्सरीज़ में अवेलेबल नहीं होते। हो सकता है चंद एक नर्सरी में आपको मिल भी जाए, लेकिन हमारा टोटल मकसद ये होता है और इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये होता है कि आपके ये जो प्लांट्स हैं ये आपको कटिंग्स लगानी है, ग्रोथ करनी है, क्योंकि ये अवेलेबल तो होते नहीं है, आप इनको घरों में बड़ा कर सकें। आपको ये टोटल इंपोर्ट करके मंगाने पड़ते हैं, इंपोर्ट करके मंगाने के बाद अगर ये घर में मर जाएगा तो आप डिसार्ड होते हैं। तो इसलिए हम आपको ये चाहते हैं कि ये प्लांट्स बड़े हों, ग्रो करें और आपको इनका पता हो कि कटिंग्स कैसे लगती है। तो हमारा टोटल मकसद ये है कि आपको इनकी पता हो कि ग्रोथ वगैरह किस तरीके से होती है, इनमें फर्टिलाइजरिंग कैसे करते हैं। उम्मीद है नाज़रीन ये जो आपको हमने कटिंग्स लगाने का तरीका बताया, मेथड बताया कि किस तरीके से एक सिंपल तरीके से कटिंग्स लगाई जाती है, आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी क्यूरीज है आप हमसे पूछ सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।